अस्सलाम वालेकुम और हैप्पी ईद मुबारक टू एवरीबॉडी। मेरे हिंदू भाई जो हैं वो हमारे दोस्त भी हैं, अहबाब भी हैं और हमारे प्यारे जान पहचान वाले भी हैं काफ़ी लोग। तो वो स्त्री को अपनी पत्नी समझते हैं और पत्नी मानते हैं कि ये स्त्री जो ये घर की हमारी पत्नी है। एम आई राइट और रॉन्ग? थैंक यू। तो सिलसिला ये हुआ कि हमारे पड़ोस में एक पटेल साहब करके आकर रहने लगे। तो इत्तेफाक से उस दिन हमारे घर की स्त्री ख़राब हो गई थी। तो मैंने वाइफ से कहा कि भाई अब स्त्री का क्या बनेगा? तो कहने की पटेल साहब से उधार ले लो स्त्री, जब काम हो जाएगा तो वापस कर देंगे। मैं जनाब बन ठन के पटेल साहब के घर में तो घुस गया और मैंने कहा सर आपका अल्लाह ताला भला करेगा, आप मुझे स्त्री दे दें। बोले क्या? मैंने कहा सर स्त्री दे दे मुझे। कह रहे तेरे को शर्म नहीं आती है, तू डूब नहीं मरता है, स्त्री कोई देने की चीज़ है? अरे मैंने कहा माय डियर सर आधे घंटे के लिए मांग रहे हो, पूरी रात के लिए थोड़ी मांग रहे हैं। तो उसने मुझे गालियां देके घर से निकाल दिया। अब मैं वाइफ के पास गया तो मैंने कहा यार तुमने किस पटेल के पास भिजवा दिया, वो तो स्त्री देने से इनकार ही कर रहा है, कहते मैं कभी भी नहीं दूंगा। तो कहने का उसको समझाया नहीं कि भाई आधे पौने घंटे की बात है तो दे दो स्त्री। तो वो फिर गया, कह लगे आपके मैं मेरी वाइफ के कहने से आया हूँ कि आप मुझे अपनी स्त्री दे दें। उसने दो तीन गालियां दी और हाथ में डंडा उठा लिया तो भाई तो भागा वहां से भाई। अरे सर गलती आपने क्या की मालूम है? हाँ आपने बस महज दो घंटे के लिए पूछा था, अरे जिंदगी भर पूछे दे देते वो लोग। नहीं नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे हिंदू इसमें रिटर्न पॉलिसी नहीं होता है। नहीं एक बार लेके जाओ, खुद लेके जाओ पूरा। अच्छा वो एक दफा लेके जाओ, एक दफा सुपरमैन बड़ा फारिग बैठा हुआ था तो वो वुमेन सुपर वुमेन के पास गया और उसने कहा कि आज मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कोई काम नहीं है, तो चलो तुम और हम मिल के आसमान की सैर करके आते हैं और आसमान पर ठंड बहुत होती है तो तुम हर चीज़ गर्म पहनना, मोज़े गर्म, पतलून गर्म, कोट गर्म, टोपी गर्म, एवरीथिंग गर्म। तो उसकी बीवी ने बोला कि ठीक है आप तैयारी पकड़ो तो मैं अपने बच्चे बच्चों के कपड़े जो कि मैंने धो के सुखाए हैं तो उसको भी अपन साथ में ले लेंगे, तो एक रस्सी का सिरा तुम पकड़ना और दूसरा मैं पकड़ूंगी, कपड़े भी सूख जाएंगे और आसमान की सैर भी हो जाएगी। ये मज़ा आया इसमें? अच्छा अब जो गमे हबीब को दूर थे, जो गमे हबीब से दूर थे वो खुद अपनी ही आग में जल गए। वो खुद गमों से दूर हुए, जो थके थके से हौसले, जो थके थके से हौसले, वो शबाब बन के मचल गए, जो थके थके से हौसले, वो शबाब बन के मचल गए, वो नजर नजर से गले मिली, वो नजर नजर से गले मिली, वो नजर नजर से गले मिली, मैं नजर झुका के तड़प गया, जो थके थके
से हौसले, ये शिकस्त दिल की करवटें, ये शिकस्त दिल की करवटें, ये शिकस्त दिल की करवटें, बड़े नसीबों से मिलती है वो नजर, नजर के चराग थे वो नजर, नजर के चराग थे वो नजर, नजर के चराग थे, कुछ बुझ गए कुछ जल गए, कुछ बुझ गए कहीं जल गए, जो संभल संभल के बहक गए, जो संभल संभल के बहक गए, वो कमकम में इश्क को पा गए, जो थके थके से हौसले, जो थके थके से हौसले, वो शबाब बन के मचल गए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया।